आज इस वीडियो में मैं एयरटेल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। एयरटेल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के लिए काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। तो इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना आप लोगों को चार्जेस लगने वाला है, ज्वाइनिंग फी क्या लगने वाला है, एनुअल फी क्या लगने वाला है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पास एयरटेल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आ गया, जिसका आप लोग लुक देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आप लोग को मिलने वाला है। इसका हम लोग रिवॉर्ड बेनिफिट सबके बारे में बात करें तो इसमें आप लोग यदि एयरटेल का वाईफाई, डीटीएच या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आप लोग 25% का कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम 250 रुपीज़, यानी कि आप लोग मैक्सिमम जो रिचार्ज कर सकते हैं वो 1000 रुपीज़ का कर सकते हैं, यानी कि 25% का कैशबैक मिल रहा है तो काफ़ी कमाल का बात हो जाता है। रिचार्ज, बिल पेमेंट या वाईफाई रिचार्ज करते हैं एयरटेल का, जो भी आप लोग का सर्विस को यूज़ करके, कोई भी डीटीएच सर्विस यूज़ करते हैं, मोबाइल सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप लोग 25% का कैशबैक मिल जाएगा। और ये जो रिचार्ज करना है वो करना है आप लोगों को एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू। और यदि आप लोग यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं लाइक गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, थैंक्स ऐप के थ्रू, तो आप लोग 10% हिसाब से 250 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम एक्सपेंड 2500 रुपीज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट तो आता ही होगा, गैस का बिल पेमेंट तो आता ही होगा, तो आप लोग वहाँ पर भी आप लोग 250 रुपीज़ का पर मंथ सेविंग कर पा रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को 250 रुपीज़ का सेविंग हो गया और यहाँ पर भी आप लोग 250 रुपीज़ का सेविंग हो गया। यदि आप लोग स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट से आप लोग कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आप लोग 10% का कैशबैक मिलेगा। ये आप लोग मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर मंथ ले सकते हैं। तो आप लोग बिग बास्केट से ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि घर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या स्विगी जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, 10% का आप लोग कैशबैक मिल जा रहा है और मैक्सिमम इसमें स्पेंड कर पा रहे हैं 5000 रुपीज़ का। ऑल अदर एक्सपेंस ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, 1% का कैशबैक मिलेगा और 1% का आप लोग फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, ये तो आप लोगों को कैशबैक तो मिल ही जा रहा है। 500 रुपया कैशबैक आप लोग हर महीना कमा सकते हैं यदि आप लोग बिग बास्केट, जोमेटो या स्विगी से 500 रुपया हर महीना कैशबैक कमा पा रहे हैं, यानी कि साल का 6000 रुपया का सेविंग कर पा रहे हैं सिर्फ रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से, जो कि आप लोग रिचार्ज हर महीना लगता ही होगा और बिल पेमेंट करना भी हर महीना लगता ही होगा। और इसमें आप लोग एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को एक कंडीशन है कि प्रीवियस 3 मंथ के अंदर 50000 रुपीज़ का एक्सपेंस होना चाहिए, तभी जाकर आप लोगों को एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेगा। और वंस पर क्वार्टर आप लोगों को एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाने वाला है, यानी कि साल में 4 एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलने वाला है। और ये आप लोग कुछ टर्मिनल है जहाँ पे आप लोगों को एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे सिटी का नाम लिखा गया, आप लोग देख लीजिए, आप लोग सिटी में यदि है तो आप लोग एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रीवियस 3 मंथ के अंदर आप लोग 50000 रुपीज़ का एक्सपेंस करना है, तभी जाकर आप लोगों को एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेगा। अब हम लोग इसका फीस एंड चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो ज्वाइनिंग फी है 500 रुपीज़, जो कि आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं 30 डेज के अंदर तो आप लोग 500 रुपये का अमेजोन वाउचर मिल जाएगा, जो कि आप लोग ज्वाइनिंग फी फ्री कर दे रहे हैं। एनुअल फी है 500 रुपीज़, लेकिन आप लोग यदि 2 लाख का एक्सपेंस कर लेते हैं तो एनुअल फी भी वेव ऑफ हो जाएगा। ले सपोज आप लोग 2 लाख का एक्सपेंस नहीं भी कर पाते, फिर भी आप लोग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से 6000 रुपीज़ का सेविंग हो रहा है, 500 रुपये आप लोग एनुअल फी भी दे दिए, तभी भी आप लोग 5500 रुपये का आप लोगों को हर साल सेविंग होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। यदि आप लोग रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के लिए कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ये क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं एयरटेल की तरफ से, एयरटेल एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। ये रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के लिए काफ़ी कमाल का क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5500 का सेविंग आप लोग हर साल कर सकते हैं। और बाकी आप लोग स्विगी वगैरह में ट्रांजेक्शन करते हैं तो और भी ज़्यादा आप लोग सेविंग कर पाइएगा। इस क्रेडिट कार्ड के लिए या एक्सिस बैंक का कोई भी अदर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।